केरल से हज करने के लिए निकले शहाब। आपको बताने कि केरल के मल्लापुरम के रहने वाले शहाब पुराने जमाने के पुराने लोगों की तरह पैदल ही अपने गांव से हज पर निकल गए और अपनी इस जर्नी के दौरान शहाब चतुर तकरीबन 9000 किलोमीटर की जर्नी करेंगे। शहाब भाई जून में अपने गांव से हज पर निकले थे और जैसे जैसे ये आगे बढ़ते रहे वैसे वैसे लोगों को पता चलता गया कि कोई ऐसा भी इंसान है जो पैदल केरला से मक्का शरीफ के लिए हज के लिए जा रहा है। तो ये बहुत खुशी की बात है जो कि शहाब भाई ने ये ऐसा डिसीज़न लिया कि वो पैदल चल के जाएंगे। शहाब भाई जिस जगह से निकल जाते हैं वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उनका स्वागत बहुत अच्छे तरीके से होता है, जैसे फूलों से कोई स्वागत करता है, कोई किसी तरीके से करता है। और ये 25 से 30 किलोमीटर दूर ही दिन में चलते हैं। अल्लाह का घर माने जाने वाले काबे की ज़ियारत करने की तमन्ना दुनिया के हर मुसलमान को होती है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा मुसलमान के बारे में सुना है जो इंडिया से पैदल ही काबे की ज़ियारत करने के लिए निकल गया हो? शहाब भाई ने अपने पैदल हज यात्रा के लिए प्लानिंग एक साल पहले ही शुरू कर दी थी। अपनी यात्रा के दौरान इन्होंने 5 देश को पार करना है, जैसे पाकिस्तान, ईरान, कुवैत और सऊदी अरबिया से होकर गुजरना था। इसलिए इन्होंने इन देशों में घुसने के लिए वीज़ा हासिल करने का प्रयास एक साल पहले ही करना शुरू कर दिया था। और अब तो शहाब चतुर इतने फेमस हो चुके हैं कि इनके यूट्यूब पर भी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और इंस्टाग्राम पर भी इनके फॉलोवर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इस टाइम शहाब भाई राजस्थान में और वहाँ से एक आध दिन में इंडिया का बॉर्डर पार करके पाकिस्तान पहुँच जाएंगे और शहाब भाई मक्का शरीफ 2023 में पहुंच जाएंगे। और हम सारे वर्ल्ड के लोगों से यही दुआ करते हैं कि आप शहाब भाई के लिए दुआ करें कि ये मक्का मदीना शरीफ जल्द से जल्द पहुंच जाए। Oh,